और जी क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है आजकल, 250 रन भी कुछ नहीं है जी, 200 से ऊपर तो आंखें बंद करके टीमें बना लेती हैं और हमारी पाकिस्तान की टीम है जो 180 भी नहीं बना सकती जी। दोस्तों ये सारे दावे अब धरे के धरे रह रहे हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं बहुत लो स्कोरिंग मैचेस T20 वर्ल्ड कप के अंदर हो रहे हैं। इसके पीछे बुनियादी वजह तो ये है कि USA की कंडीशंस सारी टीमों के लिए नए हैं। आज फिर दो मैचेस हुए T20 वर्ल्ड कप के अंदर, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मैच बारिश की वजह से पूरा ना हो सका और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट्स मिल गए, जबकि नेपाल और नीदरलैंड का मैच बहुत ही शानदार, दोनों टीमें बराबर लेवल की थी। मैच का आगाज़ नेपाल के हक में बेहतर ना हो सका और विकटें गंवाते रहे, एक तरफ से रन्स बनाते रहे और बीच में तो ऐसा वक्त आया कि न रन्स बन रहे थे और विकटें गिरती जा रही थी। 55 पे 5 विकटें गिर गई थी और ऐसा लग रहा था कि 80-87 पर ऑल आउट हो जाएंगे, लेकिन कप्तान रोहित पौडल एक इन से खेलते रहे और उन्हीं की मेहरबानी थी, उन्होंने 35 रन बनाए जिस वजह से नेपाल 106 तक पहुंच गई। उनके साथ करण केसी ने 17 रन बनाए हैं और गुलशन जा ने 14 रन बनाए हैं। ये तीन ऐसे स्कोर हैं जिनको आप तक पहुंचाया जा सकता है, बाकी सारे प्लेयर्स डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सके और 10 के 10 विकेट्स नीदरलैंड्स के बॉलर्स ने ले लिए। उन्होंने बहुत शानदार फील्डिंग की, एक भी कैच ड्रॉप नहीं किया। ऐसे में बॉलर्स में से प्रिंगल ने 3 विकेट लिए, वेन बीग ने 3 विकेट्स, बस्टिलीरा ने 2 विकेट्स और मिक्रन ने 2 विकेट लिए और यूं 10 के 10 विकेट्स पूरे हुए। 106 रन का हदफ तो हमारे टॉप ऑर्डर ही चेस करेंगे, ऐसा कहना था नीदरलैंड के कप्तान का। और ऐसे में पहली विकेट गिर गई सिर्फ 3 रन के अंदर। नेपाली फैंस जहाँ पर हज़ारों की तादाद में मौजूद थे, पूरे स्टेडियम को शोर मचाकर सर पर उठा दिया कि यार इनकी भी विकटें गिर रही हैं, लिहाजा मैच बहुत अच्छा होने वाला है और हो सकता है नेपाल 106 भी डिफेंड कर ले। लेकिन वहां पर दो बल्लेबाज ऐसे निकले जिन्होंने नेपालीज के उम्मीदों पर पानी फेर लिया। उनमें से एक का नाम था डोविट, उन्होंने 54 रन बनाए और शानदार इनिंग्स खेली, और दूसरे थे विक्रमजीत सिंह जिन्होंने 22 रन बनाए। और इन दोनों की शानदार पार्टनरशिप ही वजह बनी कि नेपाल का ये छोटा सा हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर नीदरलैंड ने चेस कर लिया और नीदरलैंड ने 2 पॉइंट्स हासिल किए हैं पॉइंट्स टेबल पर, जबकि नेपाल अपने इतने सारे फैंस के सामने कामयाबी तक नहीं पहुंच सकी। और ये उनका पहला मैच था, होप कि आगे आने वाले मैचेस में वो अच्छी कारकर्दगी दिखाएं और अपने फैंस को डिसअपॉइंट ना करें। एक बहुत बड़ी वजह उनके आज फेल होने का, उनके माइंड में जो टारगेट था वो 200 का था, इस वजह से वो शुरू में हिट करना चाह रहे थे और नाकाम हुए। 3 विकेटें उन्होंने पावर प्ले के अंदर ही दी, जिस वजह से वो बाद में भी इनिंग को बिल्ड नहीं कर पाए और यही वजह बनी कि वो सिर्फ 106 तक ही महदूद हुए। दोस्तों क्रिकेट ज़रा समझदारी के साथ खेलना पड़ता है, कभी सिंगल और डबल भी बाउंड्री से ज़्यादा अहम होते हैं। जैसा पिच बिहेव कर रही थी, अगर 140 और 150 रन बना लेते तो तकरीबन डिफेंड होने थे। 106 रन का हदफ सिर्फ 19 और मैचेस हुआ है।